फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे जो लार टपकाते हैं, क्या वो सीरियस है, क्या वो कॉमन है, किस एज से बच्चे स्टार्ट करते हैं लार टपकाना और किस एज तक बच्चे लार टपकाते हैं, किन किन सिचुएशंस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसके रीज़न क्या होते हैं, क्या नॉर्मल रीजंस होते हैं, क्या बहुत सीरियस रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे लार टपकाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको बच्चे की केयर करनी है जिससे कि इसके कारण बच्चे को और कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। 2 साल से पहले अगर बच्चों का लार टपकता है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन उसके बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें कि कब से लार टपकना स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर केसेस में 4 महीने या 5 महीने के बच्चों की लार टपकना शुरू होता है, क्योंकि तभी ये जो सलाइवा वाले जो ग्लैंड्स होते हैं तभी वो बनते हैं। कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे इनिशियली एकदम शुरुआत से भी लार टपकाते हैं, लेकिन 4-5 महीने पे आते आते वो बहुत ज़्यादा लार टपकाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो उनकी सलाइवा वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लार टपकाते हैं। सकते हैं कि 4-5 महीने पे बच्चे लार टपकाना शुरू करते हैं, और कब तक ये समस्या जारी रहती है तो ये 2 साल तक जब बच्चे हो जाते हैं तब तक ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कई वे से बच्चों को हेल्प भी करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है? सलाइवा जो है वो बहुत तरीके से हम सभी को हेल्प करता है, और स्पेशली अगर हम बात करें छोटे बच्चों की तो क्या होता है कि माउथ इन्फेक्शंस वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसको मुँह में डालते हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से माउथ इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। तो जो सलाइवा होता है, जो बच्चे की जब सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है तो ये प्रिवेंट करता है उस इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन नहीं होने देता, बच्चे को माउथ इन्फेक्शन होने से बचाता है। साथ ही साथ बच्चे जो खाना खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं या उन्होंने सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर दिया है तो उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो सलाइवा होता है इसमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और क्योंकि छोटे बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी मैच्योर नहीं होता है, जिसके कारण उनको खाना पचाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये हेल्प इस चीज़ में भी करता है कि जब बच्चे सॉलिड्स खाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो लार होती है वो बच्चों को हेल्प करती है, जो सॉलिड फूड जब खाना स्टार्ट करते हैं उसको सॉफ्ट करने में और अच्छे से च्यू कर पाने में। अब अगर मैं बात करूँ रीजंस की कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लार टपकने वाली समस्या होती है, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या नॉर्मल रीजंस हैं जिनके होने पर आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं अगर आप उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल रीजंस की बात करूं तो सबसे कॉमन जो रीज़न है और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है वो ये है कि क्योंकि बच्चों के टीथ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सलाइवा उनके मुंह में बनता है उसको वो होल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सलाइवा गिरने लगता है और आपको लार टपकती हुई दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जो सेकेंड रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपके बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा हो, टीथिंग फेज में लार टपकने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा 4-5 मंथ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सलाइवा वाली ग्लैंड्स होती हैं वो बनती हैं, इस टाइम पे भी जो लार टपकने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होती है। तो जब सलाइवा ग्लैंड्स बनती है तभी भी आप देखेंगे कि आपके बच्चे के मुंह से काफ़ी ज़्यादा सलाइवा टपक रहा है। इसके अलावा जो फोर्थ नॉर्मल रीज़न है वो ये है कि जब भी बच्चे खाना च्यू करते हैं तभी भी उनकी लार टपकती हुई आपको दिखाई दे सकती, क्योंकि उनको अभी प्रॉपर खाने को च्यू करना नहीं आता, उसको सोलो करना नहीं आता, तो ऐसे केस में सलाइवा का गिरना एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अब हम उन कारणों के बारे में बात करते हैं जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए थोड़े सीरियस हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तब भी देखा जाता है कि बच्चे सलाइवा ज़्यादा गिराते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे 2 साल से ऊपर भी सलाइवा गिरा रहे हैं तो आप एक सीरियस आप समझ सकते हैं, आपको डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।
अगर बच्चे के मुंह में कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, उनके टंग पे लग जाती है, लिप्स पे लग जाती है, उस केस में भी बच्चे को लार टपकने की समस्या देखी जाती है। अलावा अगर बच्चे के मुंह में छाले हो गए हैं तब भी देखा जाता है कि बच्चे की लार ज़्यादा टपकती है। फिर बच्चे को एसिडिटी हो रही है, उस केस में भी देखा जाता है कि बच्चे को लार ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर आपने रिसेंटली बच्चे को कोई मेडिसिन दी है, उस केस में भी कई बार देखा जाता है कि कुछ कुछ सर्टेन दवाइयों के बाद भी बच्चे की लार ज़्यादा गिरती है, या फिर वो दवाई उनको रिएक्ट कर जाती है तब भी लार गिरने की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के दांत आ गए हैं और उनमें कैविटी लग गई है, भी देखा जाता है कि बच्चे के मुंह से काफ़ी ज़्यादा लार गिरती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब कब आपको डॉक्टर को तुरंत ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए अगर आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सलाइवा गिरा रहा है और उसकी एक्टिविटी बाकी के बच्चों की जितनी नहीं है और उसकी बॉडी का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, तब आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये एक बहुत ही सीरियस और सीवियर केस होता है, इस केस में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और अभी भी वो सलाइवा गिरा रहा है, तब भी आपको डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर ज़रूर दिखाना चाहिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सीरियस कारण होते हैं सलाइवा के गिरने के, अगर उनमें से कोई भी आपको चीज़ दिखती है, अल्सर हुआ, माउथ में कोई इंजरी हुई, इस तरीके का प्रॉब्लम दिखता है, कैविटी वगैरह हुआ, तब भी आपको डॉक्टर को तुरंत ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे केयर करनी है बच्चे के माउथ एरिया की, जिससे कि उसको लार गिरने की वजह से कोई भी परेशानी ना हो। होता यह है कि जब बच्चे के मुँह से कंटिन्यूसली लार गिरती रहती है तो बच्चे के जो मुँह के आसपास का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है, काफ़ी रेशेज आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पूरा गीला हो जाता है मुँह और उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांस होते हैं। बच्चे कई बार अपना मुँह भी रब करते हैं, उसकी वजह से भी रेडनेस और आपको रैशेस दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो रेडनेस और जो रैशेस हैं वो काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे के टीथ अभी आ रहे हैं, टीथिंग की वजह से आपके बच्चे की लार टपक रही है, तब आप टीथिंग टॉयज बच्चों को ज़रूर दीजिए। इससे होगा ये कि जब बच्चा टॉय को च्यू करेगा तब बच्चे के मुँह से लार गिरेगी, लेकिन उससे एक मसाज हो जाएगी जिससे कि क्या होगा, पूरे दिन लार नहीं गिरती रहेगी। जब बच्चा सिर्फ टीथिंग टॉय को च्यू करेगा उस टाइम पर गिरेगी, तो और उसके बाद में आप उसको अच्छे से वाइप कर सकते हैं, जिससे दिन आपके बच्चे के मुंह से लार नहीं गिरती रहेगी। दूसरा टिप ये है कि जैसे ही आपको दिखाई देता है कि बच्चे के मुंह से लार गिर रही है, आप कोशिश कीजिए कि उसको वाइप कर दीजिए। बहुत फ्रीक्वेंटली आपको वाइप नहीं करना है, अदरवाइज स्किन पे स्क्रैच हो सकता है, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दूसरा, आपको जो कपड़ा यूज़ करना है वाइप करने में वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आपको वाइप करना पड़ेगा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में। हालांकि आपको ट्राई करना है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो, बट स्टिल कई बार आपको मुंह पोंछना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ट्राई करना है कि बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल कपड़ा आपको यूज़ करना है। कभी भी आपको वाइप्स यूज़ नहीं करनी है बच्चे के मुंह को साफ करने के लिए। मैंने कई जगह देखा है कि लोग बोलते हैं कि आप वाइप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की लार को पोंछने के लिए। जी नहीं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं वाइप में। आप ट्राई कीजिए कि वाइप आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, आप प्लेन जो कॉटन का कपड़ा होता है आप वो यूज़ कीजिए। ओरल केयर का आपको ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं उस वक्त आप फिंगर से ही चाहे तो बच्चे के जो गम्स हैं उनको अच्छे से साफ़ कर दीजिए, या जो फिंगर ब्रश आते हैं आप उनसे भी साफ़ कर सकते हैं। फिंगर ब्रश आप ध्यान रखिएगा, 4 से 5 महीने से ऊपर के ही बच्चों के लिए आप फिंगर ब्रश यूज़ कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, क्योंकि जो गम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये है इस टॉपिक के ऊपर पूरी समरी के आपको किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है और कितना सीरियस है और कितना कॉमन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मॉमकिड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से किसी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।